जब भी आप मेरे चैनल को ओपन करते होंगे आपको मेरे चैनल पे फेस पैक की अनलिमिटेड वीडियोस देखने को मिलती होंगी, क्योंकि उन पे मुझे आपका रेस्पॉन्स भी काफी अच्छा देखने को मिलता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ विंटर फेस पैक। जी हाँ दोस्तों, विंटर फेस पैक। जैसे ही मौसम चेंज होता है हमारा खाना पीना पहनना ओढ़ना बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। उसी तरीके से दोस्तों गर्मियों में हमारी स्किन रहती है बहुत ज्यादा ऑयली, और जैसे ही विंटर स्टार्ट होती है सर्दियों में हमारी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई रुखी और बेजान सी हो जाती है। तो आपकी इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा फेस पैक जिसमें हमने सारी चीजें ऐसी यूज की हैं जो कि आपकी स्किन पे जितनी भी ड्राइनेस होगी रुकापन होगा उसे सॉर्ट आउट करके आपकी स्किन को बहुत ज्यादा हाईटेक करेगी, आपकी स्किन में काफी ज्यादा नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। और दोस्तों सारी ये चीजें आपके घर में इजिली मिल जाएंगी। तो मेरे कहने से प्लीज डेफिनेटली आप इसे वीक में 2 टाइम्स जरूर यूज कीजिएगा। इस विंटर में आपको काफी अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस फेस पैक को मैं किस तरीके से बनाना है, कितनी टाइम तक अप्लाई करना है, कितने टाइम बाद वॉश करना है, किस तरीके से वॉश करना है, क्योंकि छोटी सी भी चीज को आप मिस कर देते हो तो इतना अच्छा रेस्पॉन्स आपको देखने को नहीं मिल पाता। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स इस फेस पैक को बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 2 टीस्पून बेसन। बेसन जो कि सबके घर में इजिली मिल जाता है, जो कि हमारी स्किन के लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है। और दोस्तों इसमें हम यूज करेंगे 1 टीस्पून हनी। मैं यहाँ यूज कर रही हूँ डाबर का हनी। हनी के बेनिफिट्स भी मैं आपको काफी वीडियोस में बता चुकी हूँ, हमारी स्किन पे कसावट लेके आता है, ग्लो लेके आता है। इसके बाद हम इसमें यूज करेंगे आधा नींबू। नींबू के अंदर होता है विटामिन सी, विटामिन डी, ब्लीचिंग एजेंट होता है जो कि स्किन को लाइटन करता है, ब्राइटन करता है। चेहरे पे किसी भी तरीके की टैनिंग होगी, डार्क स्पॉट्स होंगे, उनको भी हल्का करने में नींबू बहुत ही ज्यादा मदद करता है। और दोस्तों इसके बाद मैं यूज करूंगी यहाँ पे आधा चम्मच नारियल का तेल। नारियल का तेल हमारी स्किन को मॉइस्चराइज प्रोवाइड करता है, हमारी स्किन पे जो है नरिशमेंट लेके आता है। और सर्दियों में फेस पैक में 4 चांद लगाने के लिए नारियल का तेल बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। और दोस्तों जैसा कि कोई भी फेस पैक बिना दूध के जो है अधूरा माना जाता है, तो हम इसमें डालेंगे कच्चा दूध। कच्चे दूध के अंदर होता है लैक्टिक एसिड जो कि हमारी स्किन के डार्क स्पॉट्स को हल्का करता है, स्किन को लाइटन और ब्राइटन करने में मदद करता है। अब आपको इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद दोस्तों हमारा जो फेस पैक है वो बनके एकदम रेडी हो चुका है। सो फ्रेंड यहाँ हमारा जो फेस पैक है वो बनके रेडी हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अपने चेहरे को अच्छे से वॉश करना है। बिल्कुल भी मेकअप अगर आपके चेहरे पे होता है जब आप इसे अप्लाई करते हैं तो इसका इतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिल पाता। अपने चेहरे को अच्छे से वॉश करने के बाद इस फेस पैक को पूरी थिक लेयर में आपको अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई करना है। पूरे फेस को इसे अच्छे से कवर करना है। कवर करने के बाद इसे नेक पे भी जरूर अप्लाई कीजिएगा, नेक को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वरना हमारे चेहरे का और गर्दन का कलर जो होता है काफी ज्यादा डिफरेंस लगता है। पूरे चेहरे पे गर्दन पे लगाने के बाद आप चाहे तो इसे अपने हैंड पे भी लगा सकते हैं। और लगा के आपको क्या करना है, इसे 15 मिनट के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। और जब ये ड्राई हो जाता है तो आपको इसे नॉर्मली वॉश नहीं करना, जब ये ड्राई हो जाता है उसके बाद हल्का हल्का रब करते हुए स्क्रब करते हुए आपको उसको वॉश करना है। जितनी भी टैनिंग होगी, डेड सेल्स होगी, गंदगी होगी, वो बिल्कुल ही रिमूव हो जाएगी। आप देखेंगे एक बार में ही आपको काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। वीक में 2 टाइम्स करोगे तो बहुत ही गजब का फर्क देखने को मिलेगा। डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा, एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।